चलो आ गया बॉक्स अपना कनाडा से, करेंगे अनबॉक्सिंग आज इंडिया से। सर ऐसा हाउ मच मनी, कितना होना चाहिए? कम से कम 3-4 लाख। केटीएम का दाम ही 3-4 लाख रहेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा। 5 का अंदर। अभी अपना देख सकते हो कि एग्जैक्ट टोटल 1088 किलोमीटर हो गया, मतलब 1000 किलोमीटर इज डन, सर्विस का टाइम हो गया। तो मैं एक्चुअली वेट कर रहा था मेरा जो फेज टू का जो कस्टमाइजेशन था वो सब सामान आने के लिए। सो अपना लंदन से रैप आ गया है, अभी अपना कनाडा से सीट कवर भी आ चुका है और जो 2-3 छोटे मोटे आइटम थे वो भी सब पहुँच गए हैं। अभी ये वीक में BMW शोरूम जाके पूरा वो वाला काम ख़त्म करेंगे एंड फेज़ 3 का एक आइटम जो है क्लियर वाटर डिक्सी लाइट्स, वो मे बी मेरा तो हाथ खुजली कर रहा है उसको ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि हम लोग जब राइड्स पे निकलते हैं हम बहुत सुबह सुबह निकल जाते हैं 4-5 बजे तब तो एक्चुअली मालूम पड़ता है कि हाँ एक्चुअली लाइट्स चाहिए। सो वो वाला मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, मे बी ये महीना वो ऑर्डर कर दूंगा तो फेज़ 3 का एक आइटम निकल जाएगा, उसको इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट मंथ आने के बाद, क्योंकि वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड उसके साथ जो माउंट है वो माउंटिंग पोजीशन मेरे को मतलब जचता नहीं है, तो मेरे लिए एक अलग वाला माउंटिंग पोजीशन चाहिए, बिकॉज वो क्लियर वाटर जो स्टॉक माउंट से वो थोड़ा अजब सा दिखता है, गाड़ी से पूरा लाइट निकल के ऐसा दिखता है, मेरे को थोड़ा अंदर रहे मतलब अच्छा दिखना चाहिए, बेसिकली द पॉइंट इज अच्छा दिखना चाहिए। सो उसके लिए थोड़ा R&D करना पड़ेगा मुझे, सो वो वाला मैं ऑर्डर करूँगा ये महीना एंड तक। अभी के लिए हमारा अभी इंस्टॉल होगा रैप्स, इंस्टॉल होगा पूरा पैनियर स्टॉप बॉक्स लगेगा, उसके बाद रैप्स इंस्टॉल होगा, लॉक को कॉन्फिगर किया जाएगा एंड मेरा जो सीट कवर उसको इंस्टॉल किया जाएगा। उसके बाद और क्या है और जो भी है, अब जब मैं उस दिन जो वीडियो बनाऊंगा तब मैं दिखा दूंगा। बेसिकली आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अपना जो सीट कवर है जो कनाडा लुई मोटो से आया हुआ है वो कैसे वो लोग नॉर्मली शिप करते हैं एंड उसको कैसा इंस्टॉल करना रहता है एंड हाउ डू यू नॉर्मली गेट इट एंड कहाँ से आपको खरीदना रहता है। तो बेसिकली वी हैव बीन सेलिंग लुई मोटो स्टफ इन इंडिया सिंस 2014, सो 2014 से आज हो गया 2020, ऑलमोस्ट 7 साल से वी हैव सोल्ड ए लॉट ऑफ लुई मोटो सीट कवर्स इन इंडिया। सो लोगों को लगता है कि लुई मोटो जो है पूरा सीट ही है, सो बेसिकली इट्स नॉट ए सीट, इट्स जस्ट द सीट कवर। मैं अभी आपको पहुंच के दिखाता हूं कि वो एग्जैक्टली क्या है। चलो थोड़ा राइड मारते हैं, सुबह सुबह ये टाइम में राइड करने का मज़ा ही कुछ और है। आई हैव दिस सेम लुई मोटो सीट कवर्स इंस्टॉल माई BMW S1000RR सिंस आई गेस 2 years, तो वो तो मस्त पर जबरदस्त दिखता है एंड आई ऑर्डर द एग्जैक्टली द सेम सीट कवर्स फॉर माई GS एज वेल। सो अभी स्टॉक सीट जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, डुअल टोन, लुक्स प्रीटी अगली, एक बार वो इंस्टॉल होने के बाद ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। सो बाइक एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली ब्लैक वंस दिस थिंग इंस्टॉल एंड ये वीक पैनियर्स भी इंस्टॉल होकर रैप पर भी इंस्टॉल हो जाएगा। सो दिस वीक वी शुड बी डन विद द फेज 2 ऑफ कस्टमाइज। नाउ व्हाट इज दिस लुई मोटो? सो लुई मोटो जो है वो कनाडा के कंपनी है हु मेक्स कस्टम सीट कवर्स, कस्टम लेदर सीट कवर्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल द सुपर बाइक्स एंड वो ऐसे ही कुछ सेंड करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि लुई मोटो वो टोटली सेंड था मतलब टोटल सीट भेजते हैं, क्योंकि उनका जो प्राइस टैग वो बहुत ज़्यादा है। सो बेसिकली दिस इज फॉर द फ्रंट एंड बैक ऑफ द मतलब रियर सीट एंड फ्रंट सीट का कवर है GSA का एंड फॉर दिस टू आई पेड समवेयर क्लोज टू 29,000, मतलब क्लोज टू 30,000 जस्ट फॉर दिस टू एंड दिस इज नॉट द सीट टोटल ओनली सीट कवर है, सीट भी नहीं है। सो बेसिकली लोगों को लगता है ये पूरा सीट भेजते हैं, ये पूरा सीट नहीं भेजते, ये ओनली सीट का कवर भेजते हैं। सो दिस इज बेसिकली हाउ द लुई मोटो पैकेजिंग लुक्स लाइक। ये जो है ये है फ्रंट का, आप देख सकते हैं यहाँ फ्रंट पे लिखा हुआ है कि BMW GSA का ये जो है पैसेंजर सीट कवर, ये रियर का है एंड पीछे में इसका भी ऑप्शन लिख दिया गया है कि BMW GSA ये है अपना मोटर स्पोर्ट्स राइडर फ्रंट सीट कवर। अब इसको अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। बेसिकली दिस इज़ द पैकेजिंग, अभी इसके अंदर वो स्ट्रेट अपना वो सीट कवर को डाल देते हैं एंड सीट कवर, अभी इसका रियर वाला भी खोल के देखते हैं, रियर भी इट्स द सेम सीट कवर। अभी इसको एक बार सीट के ऊपर रख के देखते हैं ये कैसा दिखता है एंड एक छोटा वाला लुई मोटो का स्टिकर भी आता है जस्ट इन केस इफ यू वांट टू स्टिक इट टू समवेयर। देख सकते हो कि ये इट्स सो वेल मेड, पूरा टोटल कस्टम लेदर एंड ये है अपना पीछे का रियर वाला, इसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको आगे जाके वीडियो में बता दूंगा। ये है रियर अपना सीट, ऐसा दिखेगा पूरा ब्लैक, मतलब बाइक तो पूरा ब्लैक है। सो बेसिकली द सीट, अभी जो बाइक का अपना जो स्टॉक सीट है वो बहुत गंदा दिखता है, इसलिए मैं अभी सीट को दिखा नहीं रहा था जब तक ये कवर नहीं आता, कवर इंस्टॉल करने के बाद ही मैं आपको सीट का कवर दिखाऊंगा। यानी यहाँ पे उनका लुई मोटो का लोगो भी दे दिया गया एंड दिस इज बेसिकली हाउ इट लुक्स एंड फॉर द फ्रंट दिस इज हाउ द फ्रंट लुक्स लाइक। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू पुट इट ऑन द टॉप ऑफ द स्टॉक सीट, क्योंकि स्टॉक सीट के मतलब स्टॉक सीट का कवर इट हैज टू स्टे ओवर देयर एंड वी हैव टू पुट दिस ऑन द टॉप ऑफ द स्टॉक सीट एंड नाउ लेट्स प्लेस दिस ऑन द बाइक एंड सी हाउ दिस थिंग लुक्स लाइक। चलो अभी सीट को लगा के देखते हैं कैसा दिखेगा एग्जैक्टली। ये है अपना फ्रंट वाला ओनली रख के देखते हैं। ये देख सकते हो ये अपना स्टॉक वाला सीट, दिस इज द स्टॉक सीट एंड दिस इज द लुई मोटो सीट कवर। ये जब इंस्टॉल हो जाएगा कुछ ऐसा दिखेगा, इसको
तो एक बार खाली हम उसको रख के खाली मेरे को दिखा देता हूँ कि नॉर्मली इंस्टॉल होने के बाद कैसा दिखता है। सो दिस इज अ ब्लैक एंड यहाँ पे BMW का कलर्स भी है, सो दिस इज गोइंग टू लुक एब्सोल्युटली रेड। तो रियर वाला रख के देखते हैं रियर वाला कैसा दिखेगा। रियर वाला देख सकते हो स्टॉक वाला कैसा दिखता है, ये वाला लगने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। सो पूरा जब इंस्टॉल हो जाएगा दिस इज हाउ बेसिकली इट्स गोइंग टू लुक लाइक, ब्लैक 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 एंड ब्लैक। अब इसको कैसा इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ हाउ डू इंस्टॉल दिस थिंग, लेट मी जस्ट शो इट टू यू विद द रियर सीट। तो ये है अपना रियर वाला पैसेंजर सीट एंड ये है अपना रियर वाला पैसेंजर वाला सीट वाला कवर। उसको आप बेसिकली पहले पूरा सेट करना है। कैसे वो सेट होता है, एक बार वो जो अपना जो होल है वहाँ सेट होने के बाद, उसके बाद ऑल यू हैव टू डू इज इसको पहले तो पूरा सेट करो। एंड खुद ये वाला चीज़ आप खुद नहीं कर सकते, एक बार शोरूम ले लो। अगर वो शोरूम वाले बंदे नहीं करते हैं तो आपको बेस्ट है कोई भी नियरेस्ट वाला जो अपना जूता वाला दुकान रहता है, लेदर वाला शॉप या सोफा वाला शॉप, उसके पास ले के ये वाला सीट कवर दे दो। ऑल ही हैज़ टू डू इज़ यूज़ दिस थिंग, उनके पास जो बड़ा बड़ा स्टेपलर रहता है उसके बाद मारेंगे तो दिस विल बी कम्प्लीटली इंस्टॉल। ये पूरा एक बार टाइट होगा, उसके बाद नीचे से ये वाला स्टेपलर मारने के बाद दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू एंड दिस ईजी हाउ इट इज़ टू इंस्टॉल दिस थिंग। तो ये वाला अपना है रियर वाला, फ्रंट वाला ही मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड अभी फ्रंट वाला सीट का देखते हैं। सो दिस इज द फ्रंट सीट एंड दिस इज द फ्रंट सीट कवर। इसको पहले पूरा सेट करके एक बार रखना है, उसके बाद जाके वही स्टेपलर यूज़ करके पूरा टाइट करना है। दिस इज इट इज। सो बेसिकली वी हैव टू गेट दिस थिंग टू द शोरूम एंड गेट दिस इंस्टॉल्ड। नाउ इफ यू आर लुकिंग टू ऑर्डर द सेम लुई मोटो सीट कवर्स फॉर योर सुपर बाइक, आई प्लेस द लिंक बिलो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। जाके मेरे टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड कोट ले सकते हो। वैसे भी हमारा वेबसाइट में सब कुछ लिस्टेड होकर है, लुई मोटो का सीट कवर्स। कुछ भी चाहिए तो जाके डायरेक्टली वेबसाइट से देख के ऑर्डर कर सकते हो। वी नॉर्मली शिप इन लाइक 3 to 4 weeks फॉर द लुई मोटो सीट कवर्स, क्योंकि एक बार हम ऑर्डर देने के बाद ही वो बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद जाके शिप करते हैं एंड इट्स कम्प्लीटली हैंडमेड। इसमें एक भी पॉइंट में मशीन यूज नहीं होता, इट्स कम्प्लीटली हैंडमेड बाय द लुई मोटो टीम इन कनाडा। एंड लॉट ऑफ कस्टमर्स आस्क आर दोस लुई मोटो कवर्स वाटर प्रूफ और नॉट। देखो ये तो लेदर है, वाटर प्रूफ ऑफकोर्स नहीं है। बाकी मैंने इसको लगा कि मेरे S1000 आई हैव रिडन ए लॉट ऑफ किलोमीटर्स एंड बहुत बार बारिश हुआ है एंड आई पर्सनली नेवर हैड एनी काइंड ऑफ इशूज विद दिस सीट कवर। लेदर है, थोड़ा भीगता है, उसके बाद एक बार जब धूप में आ जाओगे द सीट बिकम्स कम्प्लीटली ड्राइड ऑफ एंड इट लुक्स परफेक्ट एंड नेवर हैड एनी काइंड ऑफ इशूज। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द लुई मोटो सीट कवर्स, हाउ टू इंस्टॉल इट, हाउ दे नॉर्मली शिप इट एंड हाउ यू कैन ऑर्डर द सेम। सो इफ यू गॉट एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द वीडियो कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो आज का जो ये वीडियो का थंबनेल है ये भाई लोगों ने लिया है, थैंक यू फॉर द थंबनेल सब्सक्राइबर्स, थैंक यू। यही होता है सबसे बेस्ट हेल्प, सब्सक्राइबर रहते तो थंबनेल का एटलीस्ट टेंशन नहीं रहता है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा रोड में। ट्रैफिक में खड़ा होने का मजा कुछ और ही है, क्योंकि टाइम मिल जाता है कुछ एक काम करने के लिए, सोचने के लिए, स्क्रिप्ट सोचने के लिए। लोगों को ट्रैफिक में बोर लगता है, मेरे को ट्रैफिक में जब रेड होता है और भी मजा आता है। रेड हो मतलब नेक्स्ट एटलीस्ट 2 मिनट तक तो पूरा रेस्ट है, कुछ सोच सकते हैं।